And I'm going to start. Today's topic is complex number, right? First of all, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ. First of all, जब आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में थे, आप एक इक्वेशन पढ़ रहे थे, that your quadratic equation ax square plus bx plus c equal to zero. ये आपने एक quadratic equation पढ़ी थी, right? इस quadratic equation में आप चेक करते थे इसके नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ द रूट के लिए आप डी निकालते थे, ठीक. तो डी दैट इज योर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ऐसा कुछ बोलते थे आप, ठीक है. तो अब इस डी पे कंडीशन करते थे, इफ डी फर्स्ट केस लिखते थे डी ग्रेटर देन जीरो, तो आप बोलते थे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सेकेंड पार्ट डी इक्वल टू जीरो, बोलते थे रूट्स आर इक्वल. थर्ड ऑफ पॉइंट बोलते थे डी लेस देन जीरो, उस केस में आता था रूट्स आर नॉट रियल. ये चैप्टर आपका इसी पार्ट से स्टार्ट होता है, नॉट रियल, यानी ऐसे नंबर है जो इस नेचर में नॉट रियल. इसके लिए नॉट रियल जब डी की आप वैल्यू निकालते थे यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b square minus 4ac divided by 2a, है ना? इस फॉर्मूले का आप यूज करते थे, यहां से x वैल्यू निकालते थे. दिस इज योर d. अगर ये d less than 0 हो जाए, यानी रूट के अंदर आपका आ गया नेगेटिव नंबर, कुछ ऐसा नंबर रूट के अंदर नेगेटिव. तो लीस्ट नंबर सबसे लिया गया दैट इज माइनस ऑफ 1. तो यहां से इसको एज्यूम किया गया, दिस वन इज एज्यूम दैट इज योर i. व्हाट इज i? i स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर. बाद में इसको ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने नाम दिया आयोटा, का नाम रखा गया आयोटा. अदरवाइज इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते थे रूट ऑफ दिस वन आई रूट ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू आई, ठीक. तो जब आई के बारे में लोगों को पता चला यानी इमेजिनरी नंबर आई है, इसको आप वन ले सकते, रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आई, ऐसे लिख सकते हैं. तो जब इस वैल्यू की बात आ गई, अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी सीरीज क्या क्या डेवलप हो सकती है. सीरीज बोले तो जैसे आई लिख लिया, आई स्क्वायर की बात आई, आई स्क्वायर दैट इज आई इंटू आई रूट ऑफ माइनस वन, मल्टीप्लाई करते ऐसे माइनस वन मल्टीप्लाई ऑफ माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस वन. फिर बोला गया आई क्यूब, तो आई क्यूब को ब्रेकअप हुआ आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का माइनस वन इंटू आई, तो आंसर आ गया माइनस आई. I की पावर 4 को लिखा गया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन. ये स्टैंडर्ड आप रिजल्ट जो था आपके लिए यूजफुल हुआ, दैट इज आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1. आई की पावर 4 अगर 1 आ जाएगा तो यहां से बेसिक लॉजिक आया आई रेज टू पावर 4n इक्वल टू 1. तो आई रेज टू पावर 4n इक्वल टू 1 आएगा, तो यानी यहां से क्या जाएंगे 4 के मल्टीपल पे हमेशा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्लियर. अब जब इसी पे अटैक करते हैं तो सीरीज बनी जाओ आपके पास i की पावर 4 i की पावर दिस वन, तो इसमें हम लोग डिस्कशन लेवल ले सकते हैं. i के सीरीज में डेवलप करके हम आपसे पूछ सकते हैं अगर 1 मार्क का क्वेश्चन दें कि 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं. जैसे इस बॉक्स में लिखता हूं, जैसे आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया गया, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू पावर 10, उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो 1 की जगह 1 लिखे, आई की जगह आई लिखे, आई स्क्वायर अभी आपने डिस्कस किया दैट इज माइनस 1, नाउ आई रेज टू पावर 10. जब पावर आपकी 4 से बड़ी हो जाती है तो मैंने बोला था क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं. तो 4 को आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन भी मैं करके दिखा रहा हूँ, 4 2 8 और रिमाइंडर बचा 2, जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर आ जाएगी. यानी आई की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 2, ठीक, क्योंकि 4 तक तो 1 हो गया होगा. आई की पावर 4 1, आई की पावर 8 1, बचा क्या, रिमाइंडर आपका 2. तो आई की पावर 10 इज इक्वल टू आई की पावर 2, आई रेज टू पावर 2 दैट इज माइनस 1. तो 1 और माइनस 1 को कैंसिल आउट किया, आई की जगह आई लिखा, आई स्क्वायर कितना आया था आपने बताया भाई, माइनस 1. योर फाइनल आंसर इज आई माइनस 1.
इस तरह से इमेजिनरी नंबर का स्टार्ट हुआ कि व्हेन बी इज लेस देन जीरो, बी इज व्हाट, बी की वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस फोर इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब ये लेस देन जीरो आ गया तो एक नंबर आया कि एक नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया रूट ऑफ माइनस वन, उसको बोला गया आई, आई स्टैंड फॉर आई होता, तो आई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई माइनस वन, आई क्यूब वैल्यू कितनी आई माइनस आई, आई के पावर फोर कितना आया वन, तो ये आपको सीरीज बन गई आई रेस टू पावर फोर इज इक्वल टू वन। क्लियर? तो यहां से हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हुआ हाउ टू जनरेट आयोटा, यानी आई का जनरेशन कैसे स्टार्ट। जब एक बार आई का जनरेशन स्टार्ट हो गया, आई के बारे में पता चल गया, देन आपके पास कंसेप्ट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कंसेप्ट आया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यानी एक ऐसे नंबर लिखे जाए, ऐसे नंबर लिखे जाए जैसे z इज इक्वल टू लिखा गया x प्लस आई वाई, ठीक, मैंने लिखा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो यहां जो x है दैट इज व्हाट, दैट इज योर रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोला गया x, और जो y है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। तो i का जो कोफिशियंट था, जो i का कोफिशियंट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, और जो z का x है जो वो रियल पार्ट है, वेयर x कॉमा y बिलोंग टू सेट ऑफ R। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर आपके सामने आया, दैट इज अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। Z is equal to x plus i y. What is x? X is the real part, and what is y? Y is the imaginary part. यहाँ से आपके पास आया और इसी को बोला गया that is the standard form or a plus ib form. Standard form बोले या हम इसको a plus ib का form बोले। ठीक? ये बात आपकी clear हुई यहाँ से। अब यहाँ से जैसे मेरे पास suppose कोई complex number लिखा है 2 minus i. मुझे बोला गया इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आ जाएगा 2। मुझे बोला गया इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो आई का कोफिशिएंट कितना है माइनस वन, तो आंसर आया माइनस वन। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सेम आप उसी तरीके से चलेंगे, मूवमेंट रखेंगे तो आप स्टार्टिंग में करते चले आते मेरे साथ। जैसे z1 दिया मैंने 2 प्लस 3i, z2 दिया मैंने 1 प्लस i, ठीक है, z1 है 2 प्लस 3i, z2 है 1 माइनस i, they asked find z1 प्लस z2, तो क्या करेंगे, रियल को आप रियल से ऐड कर दे, इमेजिनरी को इमेजिनरी, पहले आप वैल्यू पुट कर दे 2 प्लस 3i प्लस 1 माइनस i, तो आप रियल को रियल से, इस रियल को इस रियल से ऐड कर दे, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, और 3i से i गया तो आ जाएगा आपके पास 2i, तो आंसर इज 3 प्लस 2i। क्लियर? जैसे एडिशन कर सकते हैं, सिमिलर इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से हम सब्ट्रैक्शन इजिली कर लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा क्या होता है, इसका जनरेशन कैसे आई से स्टार्ट हुआ, हमने इसको रीड किया, फिर हमने इसका देखा एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, डिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज लिखा है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो जब डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में क्या करेंगे, तो उसमें हमें इसके कॉन्जुगेशन का, हमें इसका कॉन्जुगेशन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 1 माइनस आई है तो इसका कॉन्जुगेशन यानी इसका अपोजिट साइन, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, दैट इज 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई और 1 प्लस आई का डिवाइड। 1 प्लस आई का इसका कंजुगेशन डिनोमिनेटर का 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई और हम डिवाइड कर लेंगे, तो 1 प्लस आई इनटू ये 1 प्लस आई, ये हो गया आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में फॉर्मूले लग जाएंगे
a minus b into a plus b, that is a square minus b square. Numerator में 1 plus i को open कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a square plus b square plus 2ab. I square minus minus हो जाएगा 2. I square minus 1 और minus 1 plus हो जाएगा, 1 plus 1 आ जाएगा 2. अब थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में चलते हैं. I square कितना हुआ? Minus 1. 1 minus 1 plus 2i upon 2. This one is cancel out. तो आपके पास आया 2i upon 2. 2 से 2 cancel out. तो फाइनल फिगर आई आपके पास i. तो i को लिख सकता हूं मैं 0 plus i. तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया? इसका रियल पार्ट हो गया 0. इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? 1. तो इस तरह हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा कैलकुलेट कर सकते हैं. अलजेब्रा इन द सेंस कि जब हम आपसे बात करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, एडिशन कैसा होगा, सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है, डिवीजन में हमें क्या करना होता, इसके हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है. ठीक, अब हम चलते हैं इसी प्रोसेस को. जैसे मैं बोलूं, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नाम दे देता हूं, मैं आपको नाम दे देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है, छोटा सा है, 1 or 2 minutes लगेंगे. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन द सेंस क्या होगा, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा, उसको आप रिवर्ट करते हैं, 1/z लिखते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि z है आपके पास 4 - 3i, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज 1/4 - 3i, उसको रिवर्ट कर दें. अब देखिए फ्रैक्शन में आ गया, तो जब फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 + 3i का मल्टीप्लाई एंड 4 + 3i का डिवाइड, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 1 प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 + 3i डिवाइडेड बाय, ये हो गया a माइनस b इनटू a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 4 + 3i, i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, 16 + 9 = 25 हो जाएंगे. तो 4/25 - 3/25i, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका रियल पार्ट कितना है? 4/25. इमेजिनरी पार्ट कितना है? -3/25. ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हमने 3-4 बातें सीखी. सबसे पहले सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आई क्या होता है, आई का जनरेशन क्या है, उसकी सीरीज क्या है. फिर हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. फिर हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर में हाउ टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड. इन केस ऑफ डिवीजन वी यूज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 1/वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स. उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ठीक, फिर उसके बाद हम लोग अटैक करते हैं इसके ऊपर वैल्यू आती है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे सिंप्लीफिकेशन है या a प्लस आई बी वाले नंबर्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए. कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड वे में आ जाते हैं तो उनको कैसे लिखें हम लोग. जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया 1 - i^4, 1 - i^4, क्या ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे. स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी फॉर्म. तो 1 - i^4 को आप ऐसे ब्रेक कर लें स्क्वायर का स्क्वायर करके कुछ ऐसे, ठीक है. पावर 4 को 2^2 लिख लिया. अब मैं क्या करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा बीच में -2i. अब ये स्क्वायर लगा लिया मैंने, i स्क्वायर कितना है -1, तो 1 - i - 2i का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2i का स्क्वायर हो जाएगा 4i² और i स्क्वायर कितना है -1, तो फाइनल आंसर आया -4. तो लिखेंगे -4 + 0i, दिस इज योर फाइनल आंसर. यानी इस नंबर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. फिर से a माइनस बी का पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये स्क्वायर ऐसे रहा, i स्क्वायर की जगह -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, तो -2i का स्क्वायर बचा, -2 का 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होता है -1, तो आपकी फिगर आ गई आपके पास -4.
प्लस जीरो आई। तो ये क्या किया, किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सीख लिया था। ठीक, ये दो पार्ट हमारे क्लियर हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका अलजेब्रा एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं, याद रहे मैं डेली दूंगा, आज आपको असाइनमेंट दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, मिनिमम 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के फैक्टराइजेशन कैसे हो सकते। दो केस लेते हैं फैक्टराइजेशन में। केस नंबर वन, जब आपका x का कोफिशियंट एबसेंट हो, जैसे लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x का कोफिशियंट मैंने कहा आपका एबसेंट हो, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2, तो प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 2 को माइनस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट ऑफ माइनस 1 कितना हो गया i, और बच गया रूट 2, तो आंसर आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट 2। ठीक है, फिर ये मैंने डिस्कस लेवल पे लेके जाता हूं आपके, x की वैल्यू तो निकाल दी जिसमें आपका x का कोफिशिएंट एब्सेंट था। अब मान लीजिए x के साथ आ जाए, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब आ गया आपका x। अब बोला आप इसके फैक्टराइज करें, अब आप यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इन द सेंस v फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी, बी इज वॉट माइनस 1, प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना आया माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं i रूट 3 अपॉन 2, लिखा है लिखा रहने दिया, ये आंसर आया आपका। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे, तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपका आएगा माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और नेगेटिव साइन लेंगे तो आएगा माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, तो आपके ऐसे दो आंसर आ जाएंगे। ये हम क्या सीख रहे थे, ये सीख रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हम फैक्टराइज कैसे करें। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका अलजेब्रा सीखा, हमने इसका फैक्टराइजेशन मोड सीखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अलजेब्रा हो गया, फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक, अब इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स इन द सेंस कॉन्जुगेशन एंड मॉड्यूलस, कॉन्जुगेशन एंड मॉड्यूलस चीजें से डिलीट की है उन्होंने, बट आई स्टिल आई एम गोइंग फॉर टू, बिकॉज दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेन्स एग्जाम, राइट। और फिर किसी को कोई एनी डाउट है, आफ्टर 5 or 10 मिनट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग आई विल डिस्कस, नो इशू, राइट। सपोज जेड लिखा है मेरे पास एक्स प्लस आई, अब मुझे इसका कॉन्जुगेशन करना, इसका कॉन्जुगेशन को यानी ऐसे इसको पढ़ते हैं जेड बार। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन इज टू कन्वर्ट प्लस आई इंटू माइनस आई और माइनस आई इंटू प्लस आई। तो जैसे x प्लस आई वाई लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस आई वाई, क्योंकि यहाँ प्लस था उसको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, अगर माइनस में होता तो उसको मैं प्लस में इजिली कन्वर्ट कर सकता था। तो ये है आपका कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल z लिखा है 2 माइनस 3i, तो इसका जो z बार होगा दैट इज 2 प्लस 3i, वो वैल्यू होगी 2 प्लस 3i। ठीक, अब मैं इसकी स्पेशल कुछ फीचर्स पे डिस्कशन करता हूँ। z आपका x प्लस आई वाई, z बार है x माइनस आई वाई, मैंने क्या किया फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर दिया, देखते हैं ऐड के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो z प्लस z बार दोनों को ऐड करेंगे, i वाले पार्ट कट जाएंगे, तो ये आया 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। यहाँ x का क्या मतलब है, यहाँ x का मतलब है योर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z प्लस z बार डिवाइडेड बाय, this is the real part of a complex number is z plus z bar upon 2, clear। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को subtract किया, ये मेरे first property का आया है, second मैं अब इनको subtract कर रहा हूँ,
इस वाले से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज टू आई वाई। यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई। और वाई का मतलब क्या है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई। ये मैंने सेकेंड केस लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेशन का सब्ट्रैक्शन किया, यहां से मैंने क्या किया एडिशन, एडिशन था, देन उसके बाद मैंने वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर? अब मैं आगे मूव करता हूं, एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया, अब मैं इसी को मल्टीप्लाई मोड में लेके चलता हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इनके मल्टीप्लीकेशन, यानी जेड और जेड बार लिखा है, इनका मल्टीप्लाई जेड इंटू जेड बार, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका देखा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा आ गया मल्टीप्लाई, ए प्लस बी इनका ए दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार आया आपके पास दिस फिगर। अब इसके बाद में इस वाली वैल्यू को बताऊंगा, दैट इज योर मॉडुलस ऑफ जेड, यानी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दें, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, फिर उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दें, दैट इज योर मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना मैग्नीट्यूड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो ये आई आपके पास मॉड जेड की वैल्यू, तो ये क्या लिखा है, तो z इंटू जेड बार आ गया मॉड z का स्क्वायर, यस वन, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर। ये था इसका थर्ड केस। ठीक, तो हम लोग क्या डिस्कशन लेवल पे थे, हमारा डिस्कशन लेवल था कंजुगेशन और उसकी प्रॉपर्टी। अभी मैंने एक चीज आपसे डिस्कस की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो जब मॉडुलस की बात करते हैं, ये फॉर्मूला था आपके पास जैसे लिखा z इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, तो मॉड ऑफ z क्या आएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी कितना है माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यू विल गेट टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन, आंसर इज रूट थर्टीन। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ z। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ z को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हमने कॉन्जुगेशन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, मॉडुलस को भी हमने थोड़ा टच किया है अभी, यानी अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी मूवमेंट की बात करूं तो आप एक्सरसाइज इसकी 5.1 आज ट्राई कर सकते हैं, 5.3 को ट्राई कर सकते हैं, और मिसलेनियस के स्टार्टिंग वाले आप क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन होगा या कॉन्जुगेशन का कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी मैं कॉन्जुगेशन एक दो क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आया कि जैसे इतनी सारी प्रॉपर्टी बढ़ रहे हैं, अब किसी क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलेगा अप्लाई मोड में कि हमें इसमें कॉन्जुगेशन लेना है या क्या करना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जब किसी क्वेश्चन में आपको आई के साथ दिया हो और जब प्रूफ करने की बात आए या प्रूफ करे हुआ आपसे बोले, तो आप क्या करेंगे, उसमें देखें क्या उसमें आई एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अगर आई की वैल्यू नहीं होगी फर्दर, तो आप समझ जाएंगे यहाँ मुझे कॉन्जुगेशन करना है, यानी कॉन्जुगेशन को अप्लाई मोड पे लेके आना है। यानी क्वेश्चन में तो आई लिखा होगा लेकिन उसके बाद आपका आई नहीं होगा, आई उसमें फिर एब्सेंट होगा, एब्सेंट इन द सेंस कि जो प्रूफ करने की बारी आएगी उसमें आपके साथ और कोई फिगर लिखी होगी, तो आप समझ जाएंगे उस केस में आपका कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं भी कॉन्जुगेशन के ऊपर, मेरे पास क्वेश्चन आया है कॉन्जुगेशन पे, लिखा पहले कह रहा है ए प्लस आई बी इन वन ब्रैकेट, सी प्लस आई डी नेक्स्ट ब्रैकेट एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा है, जस्ट 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 आगे बढ़ता जा रहा है और लास्ट में लिखा है इक्वल टू ए प्लस आई कैपिटल बी, या स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल लेटर है। ठीक, अब आपसे बोल रहा है सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
एंड सो ऑन प्रूफ करना है आपको प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन था। मैंने क्या किया इसका कॉन्जुगेट किया, इसको मैंने कॉन्जुगेशन अप्लाई किया, कॉन्जुगेशन अप्लाई ऑन दिस वन, तो क्या करेगा प्लस को माइनस साइन में कन्वर्ट करेगा, ए को प्लस आई बी का ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी का हो जाएगा सी माइनस आई डी, ए प्लस आई बी को लिखेगा ए माइनस आई बी। ठीक, इस स्टेप में आपने कॉन्जुगेशन अप्लाई किया। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था दैट इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करते हैं इक्वेशन का मल्टीप्लाई, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, दिस टर्म इनटू दिस टर्म एंड सो ऑन इक्वल टू दिस इनटू दिस, इसको भी मल्टीप्लाई करें, जब एलएचएस किया है तो आरएचएस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा, यानी क्वेश्चन में आपका आई लिखा हुआ है और जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो वहां पर आई एब्सेंट है, तो समझ जाएंगे कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। ठीक, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग रोकता हूं, अब आपके साथ डिस्कशन करता हूं आज की।